नमस्कार, मैं डॉक्टर जे आर यादव, भिंडी की खेती में आपका स्वागत है। भिंडी को खरीफ एवं जायद दोनों मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके उत्पादन हेतु लंबे गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता है। 35 डिग्री सेल्सियस होने पर अंकुरण तेजी से होता है। इससे ज़्यादा तापमान होने से बीजों की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। प्रजातियाँ, भिंडी की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पूषा A4, पंजाब पद्मिनी, अर्का अभय, अर्का अनामिका, आज़ाद भिंडी 1, जिसे कि आज़ाद गंगा भी कहते हैं, आज़ाद भिंडी 2, आज़ाद भिंडी 3, जिसे आज़ाद कृष्णा भी कहते हैं, एवं आज़ाद भिंडी 4, जिसे आज़ाद मोहिनी भी कहते हैं। खेत की तैयारी, भिंडी की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अच्छी रहती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। बीज की मात्रा एवं बुआई, भिंडी की बुआई मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर की जाती है। खरीफ में बुआई जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक तथा जायद में 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर लेनी चाहिए। खरीफ में 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर तथा जायद में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है। यदि बीज का जमाव 70% से कम हो तो बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज को 10 से 15 घंटे पानी में भिगोने के बाद निकालकर छाया में सुखा लेना चाहिए। इससे बीजों का जमाव अधिक होता है। इसके बाद बीज को 2 ग्राम थीरम या 2 ग्राम करवंडा जिम से प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई हल्के पीछे कूड़ों में करनी चाहिए। खरीफ की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जायद की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक, खेत की तैयारी करते समय आखिरी जुताई में लगभग 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टर की दर से मिला देना चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की किस्म तथा भूमि में उपलब्ध तत्वों पर निर्भर करती है, अतः मिट्टी की जांच के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी की जांच ना हो सके तो उसमें 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी और पोटास तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेत में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को बुआई के 35 से 40 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। सिंचाई, अगर भूमि में अंकुरण के समय नमी कम हो तो बुआई के 3-4 दिन बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि बीजों का जमाव अच्छा हो सके। ग्रीष्मकालीन फसल में सप्ताह में 1 बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इस समय देर से सिंचाई करने पर फलियां जल्दी कड़ी हो जाती हैं। वर्षा के मौसम में लंबे समय तक वर्षा ना हो तो
तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि खेत में भारी वर्षा के कारण पानी भर जाए तो उसे खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़ने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण। भिंडी के पौधे अपने जीवन काल के प्रथम 30 से 40 दिन तक यदि खरपतवार से मुक्त रह जाएं, तो इसके बाद खरपतवार फसल पर कोई कुप्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इसलिए पौधों की प्रारंभिक अवस्था में 2-3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे तेज हवा से गिरते नहीं हैं। खरपतवार नाशी दवाओं के प्रयोग से भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए खेत की अंतिम जुताई के बाद भिंडी की बुआई से पहले बासालीन रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इससे खरपतवार के बीजों का अंकुरण ही नहीं हो पाता है। खड़ी फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एलाक्लोर की 2.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव तथा पेंडामेथिलीन 1.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए। रोग नियंत्रण। भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग जैसे कि पीला सिरा, मोज़ेक, पाउडरी मिल्डू, पत्तियों का धब्बा रोग, मूल ग्रंथि तथा भिंडी का उकठा रोग हैं। पीला सिरा मोज़ेक भिंडी को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। पत्ती की संपूर्ण नसें इसमें पीली हो जाती हैं। ज़्यादा संक्रमण होने पर नई पत्तियां पीली होकर छोटी रह जाती हैं। पौधा भी कम ही बढ़ पाता है। संक्रमण होने से फूल एवं फलों की संख्या में कमी होती है। प्रभावित पौधों में फूल या फल पीला होकर छोटे रह जाती है। पौधा भी कम ही बढ़ पाता है। संक्रमण होने से फूल एवं फलों की संख्या में कमी होती है। प्रभावित पौधों में फूल व फल कम लगते हैं। यदि लगते भी हैं तो छोटे एवं कड़े होते हैं। इस बीमारी का विषाणु सफ़ेद मक्खी से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगरोधी प्रजातियां जैसे परफनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय इत्यादि की बुआई करनी चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड या मेटासिस्टॉक्स या डाई मिथोएट में से किसी एक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। पाउडरी मिल्डू, यह रोग फफूंदी के कारण फैलता है। रोग लगने पर पत्तियां तथा तने पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे प्रकट होते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं और पूरे पत्तियों तथा तने पर सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है। रोग के उग्र होने पर पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए कैराथिन रसायन की 0.06% का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। घुलनशील गंधक जैसे सल्फेक्स की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करने से भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पत्तियों का धब्बा रोग भी फफूंदी के कारण फैलता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां कुछ ही दिनों बाद सिकुड़ कर गिरने लगती हैं। रोगी पौधों पर फूल व फल बहुत कम लगते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही फसल पर तांबायुक्त फफूंदी नाशक जैसे
फाइटोलांड का 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मूल ग्रंथि रोग में पौधों की वृद्धि कम होती है तथा जड़ों में गांठें बन जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत में नीम की खली 25 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से मिलाना लाभप्रद होता है। भिंडी का उकठा रोग, यह रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग खरीफ की फसल पर अधिक दिखाई देता है। इस रोग से पौधे जड़ से ही सूख जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोग रोधी प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। कीट नियंत्रण, भिंडी की फसल में जैसिट, चित्तीदार सूड़ी तथा माहू कीट भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। जैसिड इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों ही हान पहुंचाते हैं। यह कीट पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। प्रभावित पत्ती पीले रंग की हो जाती है, जो बाद में लाल रंग की भूरी होकर झड़ जाती है। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल की शुरू की अवस्था में मेटासिस्टाक्स 25 ईसी या साइपरमेथ्रिन का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। चित्तीदार सूड़ी, इस कीट की सूड़ी का रंग सफ़ेद होता है, जिसके ऊपर काले और भूरे धब्बे पाए जाते हैं। सूड़ियाँ तने एवं फलों में छेद करके क्षत पहुँचाती हैं, जिससे तने एवं फल मुरझाकर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफास 0.05% का 15 दिन के अंतराल पर या शेविन के 0.2% घोल का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। माहू कीट, इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल की शुरू की अवस्था में मेटासिस्टाक्स 25 ईसी या साइपरमेथ्रिन का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। तुड़ाई एवं उपज, फलियां जब कोमल हों तभी तोड़ लेनी चाहिए। भिंडी की फलियों की पहली तुड़ाई फूल खिलने के 6 से 7 दिन बाद की जाती है। इसके बाद फलियों की तुड़ाई पहली तुड़ाई के 3-4 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। भिंडी की उपज मौसम, स्थान, किस्म और फलियों की तुड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल से लगभग 50 से 60 कुंटल तथा वर्षाकालीन फसल से 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। धन्यवाद।